गाइज वेलकम बैक टू माइनक्राफ्ट हार्डकोर। आई होप तुम लोगों को याद होगा सुहाने दिन नहीं होते हार्डकोर में, तो वी हैव टू बी अ लिटिल केयरफुल। बाकी लास्ट एपिसोड से ये एपिसोड थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा सा अपडेटेड है। मैंने थोड़ा सा ऑफ कैमरा खेला, थोड़ी सी प्रिपरेशंस करी। मैं बोरिंग प्रिपरेशंस के ऊपर एपिसोड्स नहीं निकालना चाहता था, इसीलिए इस एपिसोड में बहुत सारे चेंजेस हैं। तुम लोगों को मैं पहले अपडेट कर देता हूं। तो पहले तो ये है हमारा फिशिंग फार्म, इस पे हम फिश कर सकते हैं। हालांकि मैंने इसे यूज नहीं करा, बिल्कुल भी जरूरत ही नहीं पड़ी। ऑल्सो मेरे पास ये है फिशी बिजनेस। मैंने एक क्या बोलते हैं इसे वो बनाई है, क्या बोलते हैं इसे आई थिंक आई एम टू ओल्ड भाई, क्या बोलते हैं उसे, फिशिंग बो बनाई है, फिशिंग रॉड, व्हाट द फक। तो मैंने ये न्यू फिशिंग रॉड बनाई क्या है, मेरे को एक दूसरी रॉड मिल गई थी फिश करते हुए, तो उसमें ये लक ऑफ द सी 3 और ल्योर 3 दोनों थे, तो मैंने दोनों को कंबाइन कर दिया। ये कर्स ऑफ वैनिशिंग, इट डजंट मैटर, हार्डकोर है ये, अगर ये वैनिश होगी तो मैं भी वैनिश होऊंगा। तो या तो ये बेस्ट है, लेकिन मैं इसे अभी तो फिलहाल यूज नहीं कर रहा, जरूरत सी नहीं पड़ रही। बाकी वी हैव सम फायर रेजिस्टेंस पोशन, ये तो था ही। मेरे पास काफी सारे एमरल्ड है, एज यू कैन सी 64 40। मैंने थोड़ा सा बुकशेल्फ भी लगा रखी है यहाँ पे हमें, ताकि थोड़ी सी ज्यादा पावरफुल एंचेंटमेंट्स मिल सके हमें। मेरे पास दो डायमंड सॉर्ड है, एक पे फायर एस्पेक्ट 2 है और इस पे स्माइट 5 है। तो स्माइट 5 सिर्फ अनडेड मॉब्स पे काम करती है, जो कि मैं इस सॉर्ड को बनाने वाला हूँ, ताकि हम विदर से फाइट कर सके या फिर नेदर में जब वो विदर स्कल्स लेने जाएंगे तब। और इस सॉर्ड को मैं बनाने वाला हूँ टोटली शार्पनेस पे, क्योंकि शार्पनेस 5 जो है वो सारे मॉब्स को डैमेज करती है, तो मेरे को ये चाहिए अगर मेरे को नॉर्मल मॉब्स से लड़ना है तो, और डैमेज अच्छा करना है तो। बाकी लेट्स गो, बहुत सारे चेंजेस हैं वर्ल्ड में। तो सबसे पहले तो ये मेरा ट्रेड फार्म, इसको मैंने थोड़ा सा अपग्रेड कर लिया है। अब इसमें ज़ॉम्बी यूज होता है एक, जो कि यहाँ पे होता है, फिलहाल तो नहीं है, वो मर गया था लास्ट टाइम, बट यहाँ पे एक ज़ॉम्बी होता है और मैं इन विलेजर्स को कभी भी चेंज करके इनकी ट्रेड्स को चीप कर सकता हूँ, जो कि मैंने एग्जैक्टली किया है। वही चीज, यही मेन प्रिपरेशन तो यहीं पे हुई है। तो एज यू कैन सी मेरे पास बहुत सारे लाइब्रेरियंस हैं एंड मेंडिंग रिप, इसकी जरूरत, ये घटिया है। सिल्क टच घटिया ही है, मैं यूज ही नहीं करता इसे। तो बेसिकली ये जो सारे लाइब्रेरियंस हैं, ये सारे बढ़िया बुक्स दे रहे हैं, मैं एकदम फुली प्रिपेयर्ड हूँ। मैं तुम्हें दिखाता हूँ, तुम्हें झटका लगेगा, जरा ये देखो, बम, दुनिया भर की बुक्स और सारी overpowered books है जो हमें super strong बना देगी आज के episode में। Flame, Infinity, Mending, Thorns, Protection 4, Echo Affinity, Power 5, Knockback 2, Looting 3, Sweeping Edge 3, Sharpness 5, Feather Falling 4, अंबानी में। तो या ये सारी books मुझे इन्हीं villagers से मिली है, तो ये मेरे को दे रहा है Protection 4, Blast Protection 4, ये भी लेनी है मुझे, and then ये मेरे को दे रहा है Looting 3, इसके पास है Unbreaking 3, Infinity, Power 5, Unbreaking 3, and then Feather Falling 4, Punch 2 and Sharpness 5. तुम लोगों को लग रहा होगा कि मेरा फेवरेट ये होगा, मेंडिंग दे रहा है, क्योंकि ये ना, मेरा फेवरेट पता है कौन सा लाइब्रेरियन है? ये सारे ही हैं, ये दो तीन सेलेक्टेड मेरे फेवरेट हैं, क्योंकि अच्छी अच्छी, एक तो इन्होंने मेरे को लूट दी, स्पेशली मेरे को ये वाला बंदा अच्छा लगा, क्योंकि ये मेरे को प्रोटेक्शन 4 दिया, इसे मैंने अपग्रेड किया, इसने मेरे को ब्लास्ट प्रोटेक्शन 4 दिया। सोचो 1, 2, 3 कुछ भी हो सकता था, लेकिन ब्लास्ट प्रोटेक्शन 4 कितनी अच्छी बुक दी है इसने। तो मेरा प्यार है मेरे भाई, आई लव यू यार। और मुझे लाइब्रेरियंस और अच्छे लग रहे हैं ट्रेड करने में। इस फ्लेचर को तो मैंने ऐसी बना रखा है ताकि कभी कभी ट्रेड कर सकूं, बट ऑनेस्टली मुझे लाइब्रेरियंस ज्यादा अच्छे लग रहे हैं। क्यों, उसका रीजन मैं बताता हूँ। तो क्योंकि ये बुकशेल्फ एक एमरल्ड में मेरे को दे रहा है, तो मैं इस बुकशेल्फ को लेता हूँ, यहाँ पे मैंने एक एमरल्ड स्पेंड कर दिया, एंड देन मैं इस बुकशेल्फ को तोड़ूंगा, मेरे को 3 बुक्स मिलेंगी हर बुकशेल्फ। मेरे पास बहुत सारी बुक्स है एज यू कैन सी, तो मैंने यही करा है बेसिकली, एंड देन मैं जाके इस बुक को बेच दूंगा। तो बेसिकली बहुत ही फायदेमंद है, मैं फुल बिजनेस मूड में हूँ यहाँ पे, बहुत बिजनेस करा है मैंने छोरों के साथ। और तुम लोगों को मेरी एक्सपी भी दिख रही होगी, 16 है, क्योंकि मैंने सारी एक्सपी लाइक यहाँ पे खर्च कर दी, मोस्टली इनको एन्चेंटमेंट्स देने में, लाइक अनब्रेकिंग 3, फॉर्च्यून 3 है इस पे, स्माइट ये तो थी ही, फायर एस्पेक्ट 2 मेरे को यहीं से मिला है, दैट्स इट आई थिंक, या बस इतना ही। ओके, बाकी क्रॉप्स की बात करें तो यहाँ पे मेरा एक और फार्म है, वहां पे मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ। तो ये मेरा कैरेट फार्म है, ये मेरा आलू का फार्म है, और दोनों बहुत ही बढ़िया चल रहे हैं, वेरी नाइस। यहाँ पे बस इतना ही है ऑनेस्टली, और कुछ नहीं। ओ या, ये मेरी न्यू कैट है,
मेरे पास जो दो किटीज थी वो मर गई अनफॉर्चुनेटली मेरे ही सॉर्ड के सामने आके जब मैं ज़ॉम्बीज को अटैक कर रहा था, और क्योंकि लाइक स्माइट 5 है मे बी इसीलिए डैमेज बहुत ज्यादा है मेरी सॉर्ड का और वो एक ही हिट में मर गई सैडली। हाँ? कैट कैसे मरी? मेरे आसपास भी नहीं थी वो। नहीं यार ये पागल मेरे सामने क्यों आते हैं, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा, मेरे पीछे रहे। दोनों कैट्स चली गई मेरी, तो इसीलिए मैंने एक न्यू किटी ले ली। सो रही है ये, मुझे नहीं पता था यार कैट रैंडमली सोती रहती हैं, पुर आवाज आती रहती है इनकी। ये फार्म हो गया एंड यहाँ पे हमारा है एक विलेज ब्रीडर, तो मैंने यहाँ पे ब्रीड करने के लिए ये बनाया है। यहाँ पे दो फार्मर है, ये ब्रीड करते हैं और यहाँ पे सारे विलेजर्स इकट्ठे हो जाते हैं। एंड आई जस्ट हैव टू प्रेस दिस, ये और ये यहाँ चला जाता है। ये परफेक्ट नहीं है क्योंकि मैं इसे तोड़ूंगा तो ये इधर उधर हांडलने लग जाएगा, लेकिन यू नो मेरा काम चल रहा है तो इट डजंट मैटर। और फिलहाल यही थे सारे चेंजेस, अब बस मुझे ये सारी बुक्स को इन आर्मर में और मेरे अपने इक्विपमेंट्स में लगाना है। ओ या, ये डायमंड एक्स जो है, कुछ टूल्स मेरे ऑलरेडी इंचेंटेड थे तो मैंने इसको यूज किया, रिपेयर एंड डिसएंचेंट ग्राइंडस्टोन को। तो बेसिकली अगर मैं इसे यहाँ पे रखूंगा तो सारी जो मेरी एंचेंटमेंट्स हैं वो चली जाती हैं, तो मैंने इसको यूज करा एंड देन मैं दोबारा गया यहाँ पे एंड मेरे को फिर ये मिली, एफिशिएंसी 4, अनब्रेकिंग 3, फॉर्च्यून 3। बढ़िया, फिलहाल तो मुझे और किसी चीज की जरूरत नहीं है। आई थिंक हम लोग रेडी हैं बिल्कुल, यू नो, अपने आर्मर और इसको अपग्रेड करने के लिए। ओ या, मेरे पास ये एक नेम टैग है, तो लाइब्रेरियंस को क्योंकि मैंने मास्टर कर रखा है तो हर लाइब्रेरियन मेरे को एक नेम टैग देता है बहुत सस्ते में, तो मैंने ये ज़ॉम्बी भाई करके एक नेम टैग रखा हुआ है क्योंकि ज़ॉम्बी जब फंसाएंगे तो उसे फिर ये नेम दे देंगे हम। ऑनेस्टली बताऊं तो मैंने एक ज़ॉम्बी फंसाया था और वो मर गया, बस पंगे हो गए थे थोड़े से, मैं छेद में गिर गया था एंड मारना ही पड़ा फिर उसे। ऑल्सो खेलते वक्त मेरा जो वर्ल्ड है वो करप्ट हो गया था, मेरा पीसी क्रैश हो गया था और फिर ये वर्ल्ड खुल ही नहीं रहा था, पता नहीं क्या पंगा हो गया था, बट इस होमी ने बचा लिया हमारे इस वर्ल्ड को, तो शाउट आउट टू दिस होमी भाई। ये सीरीज बच गई क्योंकि जेन्युइनली मैं डिलीट करने वाला था, मुझे लगा था और कोई सॉल्यूशन नहीं है, यूट्यूब पे भी कुछ खास मिला नहीं था मेरे को, बट या थैंक्स टू दिस गाय। आर्मर ट्रिम सिर्फ शो ऑफ के लिए होते हैं ना, तो मुझे नहीं लगता मुझे लगाने की जरूरत है, मेन चीज तो एंचेंटमेंट्स है हमारे लिए एंड मैं सब पे कुछ ना कुछ लगाने वाला हूँ। मेरे जो बूट्स है मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं क्योंकि इसमें सारे फुल लेवल्स मिले हुए हैं मेरे को, प्रोटेक्शन 4, अनब्रेकिंग 3, डेप्थ स्ट्राइडर 3। अब इसमें और क्या चाहिए हमें, सोल स्पीड मेरे पास है नहीं अनफॉर्चुनेटली अभी, तो हम सिर्फ मेंडिंग लगा देते हैं इस पे बस, एंड ब्लास्ट प्रोटेक्शन। ओ या, मेरे को एक्चुअली ना ब्लास्ट प्रोटेक्शन चाहिए, तो उसकी बुक्स ले लेते हैं थोड़ी सी। कितनी क्यूट लगती है कैट्स भाई, तो पेट में सो जाती है, गिफ्ट भी देती है, कितने सारे रैबिट फूड दे रही है ये। सही है, आसपास डेजर्ट नहीं है मेरे ख्याल से मेरे यहाँ पे, पर रैबिट तो हर जगह ही होते हैं। या ओके, तो मैं एक एक करके बुक्स यूज नहीं करूंगा, मैं पहले बुक्स को कंबाइन करूंगा क्योंकि उससे यूज बढ़ जाता है मेरे ख्याल से इनका। तो एक मेंडिंग ले लेते हैं एंड देन एक ब्लास्ट प्रोटेक्शन। फेदर फॉलिंग भूल गया मैं, सही है मैं देख रहा हूँ, फ्रॉस्ट वॉकर इतना इंटरेस्ट नहीं करता मेरे को, प्रोटेक्शन मेंडिंग ठीक है, फेदर फॉलिंग तो मेन ही है भाई, वही भूल गए। सो अभी कॉस्ट का क्या सीन है, लाइक अगर मैं इनको मिक्स करूं तो 4 एंड इसको मिक्स करूं तो 4 ही है। ओ 8, ये क्या सीन है। एक प्रोजेक्टाइल प्रोटेक्शन भी होता है जो स्केलेटन्स की एरोस से बचाएगा हमें एंड आई थिंक वो इम्पोर्टेंट है, पर फिलहाल मुझे मिला नहीं है तो आई मीन इट डजंट मैटर, प्रोटेक्शन तो है ही हमारे पास। अभी मैं ये चीज बोल रहा हूँ देखना ऐसे ही ना मर जाऊं मैं। मुझे बहुत सारी एक्सपी चाहिए पर इनको मिक्स करने के लिए। ओके, ये 2 ये चाहिए एंड देन फेदर फॉलिंग 5, 11 एंड देन हम बूट्स पे ये लगा देते हैं, बस ऐसे भी लग सकती है, नहीं 10 सारी चली गई यहाँ पे। या ये बेस्ट एंचेंटमेंट्स है, सुपर पावरफुल बूट्स। एक्सपी के लिए एक्चुअली मेरे पास कोई फार्म नहीं है अभी, मैं इन्हीं को यूज कर रहा हूँ बस ये बुक्स बेच बेच के, क्योंकि काफी एक्सपी दे देते हैं ये लोग भी। देखा, सिर्फ ट्रेड्स करके ही 10 एक्सपी हो गई ऑलरेडी, बहुत सही चीज है। अगर तुम्हें विलेजर्स को अच्छी तरह यूज करना आता है ना, ये बहुत इजी बना देते हैं। व्हाट इज हैपनिंग, हाँ ये क्या हुआ, मेरी कैट वो पानी में है क्या, डूब रही थी क्या तू, मेरे पास ये है। मरने वाली थी तू, ड्रामी, इसमें डूब गई थी क्या ये। मेरे पास एक बिल्कुल प्रॉपर बो है, एक मिनट देखें जरा क्या देगा ये। मैंने बो
पावर 4, खैर मेरे पास सारी बुक्स 7, और बढ़ती जाती है कॉस्ट। फ्लेम, अनब्रेकिंग 3, इन्फिनिटी, पंच 2, आई थिंक ये 5 बुक्स हैं जो मेरे को चाहिए। भाई ये बड़ा महंगा पड़ रहा है वैसे, सही बताऊं तो ना। अनब्रेकिंग भी लगानी है, ओ कम ऑन, चलो टू एक्सपेंसिव तो नहीं है, और एक ही बार बनानी है बो फिर तो। भाई बो का सीन ऐसा है कि वो मेंडिंग नहीं लग सकती ना उस पे, तुम ना होते तो मेरा क्या होता भाई सही में। पावर 5, फ्लेम, इन्फिनिटी, पंच 2 एंड अनब्रेकिंग 3, दैट्स इट, यही चाहिए था हमें। कम ऑन व्हाट भाई, इतना महंगा क्यों है? 33 ब्रो, ऐसे अगर सबको कंबाइन करना पड़ा तो मुझे तो बहुत सारी एक्सपी चाहिए इसका मतलब। भाई मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था यार इतना महंगा होगा सब कुछ, एक एक्सपी फार्म भी बना ही लेता मैं, हैं कम 200-300 रखता अपने पास। तू इतना एक्साइटेड क्यों हो रहा है? क्योंकि तू जेल में नहीं है, चिढ़ा रहा है अपने फ्रेंड्स को। वैसे तो मेरे पास बहुत सारे एमरल्ड है, लाइक लिटरली मैं कुछ भी ले सकता हूँ, मैं इससे ग्लास ले लूँ, ये मेरे को तो एक्सपी चाहिए ना बस, मैं लिटरली सारी ट्रेड्स ले सकता हूँ इससे। कमाल की बात ये है, क्लॉक ले लूं क्या फर्क पड़ता है, इनफिनिट एमरल्ड्स है हमारे पास, नेम टैग ले लूं दुनिया भर के, क्योंकि इन द एंड मुझे तो सिर्फ एक्सपी चाहिए ना। मेंडिंग, शार्पनेस 5, अनब्रेकिंग 3, ब्लास्ट प्रोटेक्शन 4 एंड नॉकबैक 2, ये चाहिए मेरे को अपनी सॉर्ड पे। वेट, लूटिंग 3 भी तो है, वो भी तो चाहिए। हाँ लूटिंग 3, ये रही भाई 6 बुक्स, इनको मिक्स करने में ही सारी चीजें चली जाएंगी मेरी। मेरे को मैं बहुत दिमाग लगाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे मैं इसे कम से कम खर्चे में करूँ, ऐसे भी तो कर सकते हैं हम। और ब्लास्ट प्रोडक्शन क्यों मिक्स कर रहा हूँ मैं, ये रह गई बस। क्या मेरे को शार्पनेस 5 के साथ साथ स्वीपिंग एज भी लगा देना चाहिए? आई थिंक वो ओवरलैप कर जाते हैं, वो साथ में लग नहीं सकते। टोटल 6 चाहिए मेरे को, इस पे 4 है एंड 5 एंड 1 इस पे ऑलरेडी है फायर एस्पेक्ट, आई थिंक हो गया अपना काम। 13 ये चाहिए बस, मुझे लगा था ये 10-15 सेकंड का काम है, मैं फटाफट मिक्स करूंगा और चलेंगे कहीं कुछ करने। भाई अल्लाह महंगा इतना है सब कुछ। ओके बुक तो प्रिपेयर हो गई, आई डोंट थिंक मैं अपनी एक्स से कभी भी लड़ने वाला हूँ, तो इसीलिए एफिशिएंसी, अनब्रेकिंग, फॉर्च्यून 3 है वो अच्छी बात है। आई थिंक इस पे सिर्फ मेंडिंग और लगा देते हैं एंड दैट्स इट। ओके एक्स तो हमारी प्रिपेयर हो गई भाई, चॉपर रख देते हैं इसका नाम, एक्सपी की कमी है लेकिन नवाबी नहीं घटनी चाहिए, नाम तो रखेंगे। हाँ ओ मेंडिंग लग गई लेकिन मेरा एनविल टूट गया, वाह जल्दी ही हमें वो बनाना पड़ेगा आयरन फार्म। ब्रो कितने ब्लॉक चाहिए होते हैं एनविल के लिए, बड़ा महंगा भाई सब कुछ। ओके अब ट्रेड कर देते हैं, आई थिंक ये रिपेयर हो जाएगी। ओ ये हो रही है, मैं सरप्राइज भी क्यों हो रहा हूँ, मेंडिंग लगी है उस पर ऑब्वियसली होगी वो। अबे यार पर सारी एक्सपी मेरी उधर खा रही है, वो एक्स ही खा रही है भाई, पैसे भी तो कमाने मेरे को। ले यार मेंडिंग का ये फंडा भी तो है, महंगाई मार डालेगी। मेरे पास 40 लालटेन है, 12 क्लॉक है, और मैं तुम्हें क्या बताऊं, मैंने यहाँ पे इतनी क्लॉक फेंकी है ना पूछो मत। ओ यार मैं तुम लोगों को बताना ही भूल गया कि ऑफ कैमरा खेलते हुए कुछ फनी चीजें भी हुई थी, जैसे कि एक विलेजर भाई नींद में चल रहा था, लेटे लेटे ही पता नहीं कैसे किया उसने, पर वो काफी फनी था। ऑल्सो मेरे को एक तरीका मिल गया था जिससे मैं इनको जोम्बी बना के, लाइक मैं पहले क्या कर रहा था कि हर एक स्प्लैश पोशन को एक विलेजर पे यूज कर रहा था, लेकिन क्योंकि वो स्प्लैश पोशन है तो वो फैलता है, तो मैंने इसीलिए लाइक 3 विलेजर को एक स्प्लैश पोशन से क्योर करना समझ लिया था, जिससे कि मैं एक विलेजर पे मारता था एंड वो फैल जाता था, तीनों को वीकनेस इफेक्ट मिल जाता था एंड देन मैं तीनों को क्योर कर देता था। वो ट्रिक यूज करी थी मैंने, काफी इजी हो गया था काम, आई थिंक मेरे को मेंशन करना चाहिए ये। इतना शीशा पड़ा है ब्रो, मैं मेंशन बना सकता हूँ अपना लिटरली शीशे से, और लैंटर्न्स का तो पूछो ही मत मैंने घर में भी इतनी लगा रखी है, कोई इतनी सारी गई। ब्रो कितनी अच्छी बात है कि ये जो लाइक ये है ना, ये बंदा यहाँ फंसा हुआ है। They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine. क्योंकि मैं आराम से काम कर सकता हूँ, इन केस गलती से मैं किसी को हिट कर देता हूँ तो मेरे को डर नहीं है कोई,
और क्योंकि ये यहाँ पे है तो ये और उगा नहीं रहे हैं नए आयरन गोलम्स। मेरे को एफिशिएंसी की कोई बुक नहीं मिली थी, लेकिन अभी इतनी कोई चिंता है नहीं मुझे उसकी, तो पिकैक्स को फॉर्च्यून 3 एंड ब्रेकिंग 3 रहने देते हैं फिलहाल। मेंडिंग लगानी चाहिए इस पे 100%। एक्चुअली सबसे पहले यार आर्मर इंपॉर्टेंट है, आर्मर को सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना है मुझे, ताकि मैं मरू ना। मर गया तो ये क्या, इन एंचेंटमेंट्स का क्या, टेंडा पालूंगा अगर ये मरी जाऊंगा मैं तो इसलिए मेरे को आर्मर को सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना है सबसे पहले। एक बार 30 लेवल और पहुंच जाऊं और उसके बाद एंचेंटमेंट टेबल यूज करते हैं, हो सकता है कुछ अच्छा मिल जाए। एक बार आर्मर पे ब्लास्ट प्रोटेक्शन लग जाएगा ना, फिर सारा डर निकल जाएगा क्रीपर से, क्योंकि क्रीपर ही है जो एक ही बारी में एंड कर सकता है सीरीज। इसीलिए मैंने ये किटी रख रखी है, डरा देती है एटलीस्ट अगर वो पास आते हैं तो। डन 30 लेवल्स भाई साहब, इतनी जल्दी होता है ट्रेड करते वक्त। आओ देखते हैं इस पे क्या मिलेगा हमें। अनब्रेकिंग 3 बढ़िया है, प्रोटेक्शन 4 बहुत ही बढ़िया है। इसका हटा देता हूँ क्योंकि प्रोटेक्शन 3 है इस पे, तो एग्जैक्टली यही किया था मैंने, जब तक मुझे अच्छी चीजें नहीं मिल जाती। अनब्रेकिंग 3, सिर्फ अनब्रेकिंग 3 चलेगा। तो अभी देखो डिसेंट लग रहा है फिर भी, अब बस मेरे को एकदम बेस्ट चीजें जो मेरे पास हैं वो लगानी है इन पे। मैं थॉर्न्स भी लगाने वाला हूँ, लेकिन उससे ड्यूरेबिलिटी खराब हो जाती है, तो मैं सब पे नहीं लगाऊंगा, सिर्फ चेस्ट प्लेट पे एंड अपनी चड्डी पे, दैट्स इट। हाँ ओह, या तो मैं ब्लास्ट प्रोटेक्शन 4 लगा सकता हूँ या फिर मैं प्रोटेक्शन 4 लगा सकता हूँ। अबे यार ये तो खड़दू है भाई, अब ब्लास्ट भी तो जरूरी है क्रीपर भाई। आई थिंक मेरे को चेस्ट पे ब्लास्ट प्रोटेक्शन लगानी चाहिए। अबे यार मुझे तो लगा था दोनों यूज कर पाऊंगा मैं। ओ वेट, इस पे ऑलरेडी प्रोटेक्शन 4 लगा हुआ है, तो अगर मैं ये ब्लास्ट प्रोटेक्शन इस पे लगाऊंगा तो वो हट जाएगा। आई एम प्रीटी श्योर यही होगा, हाँ ब्लास्ट प्रोटेक्शन हट जाएगा। हट, आई गेस हमारा रेस्पिरेशन बेकार जाने वाला है, क्योंकि इसको फिर मैं चेस्ट पे यूज कर लेता हूँ। इस पे भी तो प्रोटेक्शन 4 लगा हुआ है, इस पे यूज कर लेते हैं फिर। 29 भाई, कितना सही में इन्होंने तबाही मचा रखी है महंगेपन में, तो इन्होंने मेरा प्लान खराब करवा दिया। मेरे को नहीं पता था उन दोनों मिक्स नहीं कर सकते हम। ला यार, इस पे भी प्रोटेक्शन 4 लगी हुई है, तो इसका मतलब ब्लास्ट प्रोटेक्शन सिर्फ हमारे चड्डी पे रहेगी। ओके, इस पे आई गेस ये लगा देते हैं 15, चार चीजें हो जाएंगी इस पे। ये फेदर फॉलिंग वाला बंदा आई डोंट थिंक मेरे को और चाहिए, तो मैं इसकी जगह, आई मीन मेरे को ना फार्मर चाहिए यार। अब मेरे पास एमरल्ड्स की कमी पड़ रही है, मेरे को फार्मर के साथ ट्रेड करना होगा। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, थैंक यू, बहुत अच्छे हो तुम लोग। ये चीज एक्चुअली मेरे लिए अच्छी है अगर ये दोनों ही फंस गए तो। बस बढ़िया। ओ यार एक्चुअली ये बहुत ही अच्छी चीज़ है ये, अगर वो भी फंस गया यहाँ पे तो, क्योंकि उससे मैं बुकशेल ट्रेड कर सकता हूँ फिर। इन तीनों को चेंज करते हैं। ज़ॉम्बी भाई जिंदा हो ना आप, वहाँ पे क्यों है? इसका नेम दिख नहीं रहा बट इसको नेम टैग लगा दिया है मैंने। ओके, उनको चेंज कर मेरे भाई। अबे ये कहाँ से आ गया? ओके, तीनों बदल गए, वेरी नाइस। द प्रॉब्लम इज मेरे पास गोल्ड नहीं है, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि गोल्डन एप्पल कहाँ से बनेगा, एंड आई डोंट थिंक मैं किसी से गोल्ड ट्रेड कर सकता हूँ। मेरे पास ना नेम टैग है, मैं एक्चुअली 3 नेम बना देता हूँ। ओह कॉस्ट लगेगी है, श्योर, ताकि ये ज़ॉम्बी गायब ना हो। मेरे साथ ऐसा बड़ा होता है, गायब हो जाते हैं, मैं नहीं चाहता तुम लोग गायब हो। फार्मर कौन सा है ये वाला ना, बस यहाँ पे भी 2 विलेजर हैं, ये बेवकूफों को देखो भाई। आई मीन यहाँ पे गोल्ड है पर कितना नगेट्स मिलेंगे ना यहाँ से तो बस, एंड ये वर्थ इट भी है, ये लोग मेरे पीछे पड़ जाएंगे यार। या आ लिया वो, बिल्कुल भी वर्थ इट नहीं है ये। वो 22 नगेट मिले मेरे को उससे, हाँ क्योंकि मेरे पास फॉर्च्यून 3 है इसीलिए। ओ ये तो
वाह ये तो बहुत अच्छा है। ओके आई थिंक 3 गोल्डन एप्पल का तो काम बन ही गया अपना। फॉर्च्यून 3 क्लच में आ रही भाई। ओ गॉड मैं देखना किसी दिन ऐसे फंस के मरूंगा। भाई साहब सारे गुस्से में, मेरे से निकल लो। व्हाट फैंटम और गोल्डन नगेट, अजीब चीजें हो रही हैं वर्ल्ड में। फैंटम्स आए होंगे, मर गए वो रात को, अच्छी बात है ये भी। ओके कितना गोल्ड बनेगा इससे? 8 यार बड़ा कम भाई। कितने गोल्डन एप्पल? 1 यार कितना महंगा है भाई सब कुछ। गुस्सा तो नहीं है ये अभी भी? ओ भाई गुस्से में लग रहा तू तो। इतना एक्साइटेड क्यों है वो? भाग क्यों रहा है वो? मैं बोलता नहीं, करके दिखाता हूँ, करके नहीं दिखाता, फिर कुछ भी नहीं करता। भाई इनका सीन ही समझ नहीं आ रहा मुझे। आई डोंट थिंक मैं अभी भी इनके सामने गोल्ड तोड़ सकता हूँ, इवन दो मैंने गोल्डन चेस्ट प्लेट पहनी हुई है, पर गोल्ड है यहाँ पे, मेरा काम चल जाएगा बहुत सारा है। यहाँ पे तो इनका फार्म भी बन सकता है, बहुत बढ़िया। लाइक कितने सारे लोग हैं यहाँ पे, एक छोटा सा वहाँ सिंपल फार्म बना के, मौज ही मौज है भाई। एक बनाऊंगा मैं, गोल्डन नगेट भी मिलते हैं इनसे। आयरन चाहिए भाई, हर चीज के लिए कुछ ना कुछ चाहिए। ओके मेरे को तोड़ के देखना पड़ेगा यार, इनका सीन समझ नहीं आ रहा। ओके आई गेस अभी पता चलेगा हमें। तोड़ू क्या है इनकी, लाइक प्रॉब्लम क्या है? ये ऐसे क्यों भाग रहा है वो, और वो कुछ नहीं कर रहा मेरे को। दैट्स इट, तो अभी कुछ नहीं कहेंगे मेरे को, अच्छी बात है। वो नहीं मार रहा है वो, गॉड डैमेज भाई साहब। भागो भागो, क्योंकि मेरे पास गोल्डन चेस्ट प्लेट है, इसीलिए इनसेन डैमेज करा उसने, तो इसका मतलब वो मारते हैं फिर भी। ओके चुरा नहीं सकते हम उनके सामने, रोकने कौन वाला है पर मुझे। मैं तो चुराऊंगा, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे बस, आसपास ना हो। ये अपडेट्स अच्छे कर रखे हैं, लाइक गोल्ड के लिए तुम्हें जरूरी नहीं है माइन करने जाना होगा, अपने नेदर आओ और ले जाओ अपना गोल्ड। भाई साहब कितना सारा है, मस्त। ओ मजा ही आ गया, 64 and 16 and 64 हो गया अपना काम। वो बहुत सारा मिल गया मुझे तो, फॉर्च्यून 3 जिंदाबाद भाई, मस्त। फॉर्च्यून 3 इतनी जबरदस्त एंचेंटमेंट है भाई, मजा आ गया। कितने तोड़े मैंने, मुश्किल से 15 माइन किए होंगे, एंड 2 स्टैक लेके जा रहा हूँ मैं। ओके ये बहुत बढ़िया हो गया, कितने बने? 22, अरे बढ़िया। ओके एप्पल दो मुझे, अभी भी 2, बस 2 एप्पल बताओ यार। 3 एप्पल अपने पास, तीनों को क्योर कर सकते हैं हम। वेयर इज स्प्लैश? सो क्योंकि ये स्प्रेड होता है, बैम एंड देन, लेकिन सिर्फ एक ही बार रिपेयर हो पाए ये। रिपेयर हल्का सा ही फर्क पड़ेगा। वैसे कई बार ये भी होता है कि जैसे ये इन विलेजर्स से अगर बात करें ना, जो ऑलरेडी बहुत कम है, तो ये अपने प्राइस डाउन कर देते हैं, चाहे फिर इन्हें ज़ॉम्बी से क्योर ना किया हो मैंने, ऐसा भी होता है। जैसे कि आई थिंक हम ये टेस्ट कर सकते हैं अभी, मेरे पास कुछ है, एक सेकेंड गिव मी दैट, टेस्ट करते हैं इनमें से किसी को बनाते हैं। ये बात करने लग रहे हैं ना जब से, बन भाई। ओ ब्रो मैं कितना स्ट्रांग हूँ यार, ये एफिशिएंसी देखा, मेरे को पता था ये न्यू विलेजर्स हैं, ये जो नेदर में से आए हैं वापस, मेरे को पता था ये ऐसे काम करता है, मुझे पता था। तो इसका मतलब मेरे को सबको क्योर करने की जरूरत नहीं है, यही चीज तो सोच रहा था मैं इनको सिर्फ बात करने देता हूँ एंड देन ये चेंज हो जाएंगे, ये अपनी ट्रेड्स कम कर लेते हैं क्योंकि इन्हें लगता है कि हाँ भाई ये तो अच्छा बंदा है। मेरे को पोटैटो और कैरेट चाहिए बस, कम ऑन, यस यही तो चाहिए। अभी से पहले तो ये हटाओ भाई, क्या कर रखा है मैंने, अभी देखो एम्ब्रल्ड की बारिश होगी, मजा आएगा। वो भी बन गया, सही है तेरे को 12। अभी तू अच्छा नहीं है भाई, वो कहाँ गया दूसरे वाला, ये 1 पे जा चुका है। ये आए ना मजा यार, तू भाई बहुत अच्छा है यार। ओ शिट यार मैंने ये नहीं सोचा, वो तो हाँ ये तो बना इसे,
गॉड, तेरे को मारना पड़ेगा यार। शार्पनेस 5 वाला बंदा है, पर कोई ना। आई थिंक लेगिंग्स पे सिर्फ यही आएगा और कुछ नहीं लग सकता इस पे। ये बेस्ट है। थॉर्न्स प्रोटेक्शन में यही फायर प्रोटेक्शन और प्रोजेक्टाइल प्रोटेक्शन ऑब्वियसली लग सकती है, बट मेरे पास वो है नहीं। एंड आई थिंक वो भी ओवरलैप कर जाएंगी, कुछ नहीं पता। पर आई थिंक ब्लास्ट प्रोटेक्शन तो होना चाहिए यार। क्रीपर से अगर एक हार्ट पे भी बच सकते हैं तो वो चांस लेने के लिए तैयार हूँ मैं। बाय द वे 29 लेवल्स खा गया ये अपडेट मेरे को। भाई इतना महंगा है सब कुछ, इसके लिए 33 लेवल्स चाहिए। इतनी तो मैं क्लॉक फेंक चुका कि पूरी दुनिया में एक एक घड़ी दे सकता हूँ मैं सबको फ्री। मुझे एक्चुअली ना एक चीज टेस्ट करनी है। तो मेरा जो फ्लेचर है वो मेरे को स्लो वाली एरो दे रहा है, लाइक स्लोनेस 4, रेजिस्टेंस 3। तो लाइक अगर मैं इसे कन्वर्ट कर लेता हूँ तो क्या मेरी जो इन्फिनिटी है वो इस पे काम करेगी? अभी मेरे पास इन्फिनिटी है नहीं तो मैं चेक नहीं कर सकता, पर अगर काम करेगी तो आई थिंक वो बहुत ओपी चीज है। नहीं, ओपी बोलना कितना क्रिंजी सा लग रहा है इतना। थंडरस्टॉर्म, बढ़िया। या आई थिंक अगर ये इन्फिनाइट हो गई तो मजा नहीं आ जाएगा, पर मुझे नहीं लगता ऐसा होगा। वरना हर शॉट पे स्लोनेस 4 मिलेगा एनिमीज को, वो लिटरली वॉक नहीं कर पाएंगे। या अभी आई थिंक मेरे को थोड़ा सा टाइम लगने वाला है, लाइक अभी सारी चीजें अपग्रेड करने के बाद ही कुछ एक्शन में घुसने का फायदा है, वरना तो मरने के चांसेस ज्यादा हैं। नेक्स्ट मेरी प्रायोरिटी है एक बैस्टियन ढूंढना और नेदराइट स्मिथिंग टेम्पलेट लाना, ताकि हम एंशियंट डिब्री ढूंढ के सारे आर्मर को अपग्रेड कर सके। एंड देन उससे नेक्स्ट तो एंडर ड्रैगन ही है। तो होप यू गाइस एंजॉयड द एपिसोड। आज सिर्फ हमने अपग्रेड्स वगैरह करी हैं। ऑनेस्टली मुझे नहीं लगा था, मुझे लगा था 5 मिनट लगेंगे ये सब करने में, पर भाई पैसा बहुत खा रहे हैं ये, तो मेरे पास और कोई चारा नहीं था। बट एनीवेज होप यू गाइस एंजॉयड। नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं, बैस्टियन ढूंढने चलेंगे। गुड बाय।